अगर आपके दांत पीले पड़ चुके हैं और बहुत गंदे नजर आते हैं, जिस वजह से लोग आपसे नफरत खाना शुरू हो चुके हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज आपको पीले दांतों के लिए बहुत ही असरदार लेकिन बनाने में आसान घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप एक से दो बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके पीले दांत मोतियों जैसे सफेद निकल आएंगे। ना सिर्फ इस रेमेडी का इस्तेमाल पीले जर्द दांतों को मोतियों जैसा सफेद बना देता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से मुंह से आने वाली सख्त और नागवार बदबू का भी खात्मा हो जाता है। तो इस बहुत ही ताकतवर टीथ व्हाइटनिंग रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपको बेकिंग सोडा की जरूरत पड़ेगी। बेकिंग सोडा तकरीबन हर घर के ही किचन में मौजूद होता है। इसको बेकिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडे के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि ये दांतों पर जमे हुए प्लाक को अपने अंदर घुला लेता है। यही वजह है कि दांतों पर अगर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाए तो बेकिंग सोडा दांतों पर मौजूद जिद्दी से जिद्दी प्लाक को इस तरह से साफ कर देता है जैसे दांतों पर कभी प्लाक मौजूद ही नहीं था। बेकिंग सोडे का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये अल्कलाइन होता है, इसलिए मुंह में बढ़ी हुई बेइज्जत तजाबीत को कम कर देता है। और क्योंकि मुंह में मौजूद वो बैक्टीरिया जो कि प्लाक, दांतों में होने वाली कैविटीज और मुंह की बदबू की वजह बनते हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होती है, जो कि बेकिंग सोडे के बाद उन्हें नहीं मिल पाती, क्योंकि बेकिंग सोडे का इस्तेमाल मुंह के हाई पीएच लेवल को कम कर देता है, जिस वजह से मुंह में मौजूद ये तमाम बैक्टीरिया मरने लगते हैं। यही वजह है कि बेकिंग सोडे का इस्तेमाल ना सिर्फ दांतों को मोतियों जैसा सफेद बनाने की ताकत रखता है, बल्कि ये दांतों में होने वाली कैविटीज और मुंह की बदबू को भी दूर कर देता है। तो रेमेडी को बनाने के लिए आपने एक चाय का चम्मच बेकिंग सोडे का ले लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको एक तिहाई चाय का चम्मच हल्दी की जरूरत पड़ेगी। हल्दी भी हर किचन में ही मौजूद होती है। हल्दी के अंदर ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इस रेमेडी में हल्दी को ना सिर्फ इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि हल्दी का इस्तेमाल भी प्लाक को दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तीसरे और आखिरी नंबर पर आपको दो चाय के चम्मच कोकोनट ऑयल की जरूरत पड़ेगी। आपने इन तीनों चीजों को मतलूबा मिकदार में लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपकी रेमेडी तैयार है। इस रेमेडी को आपने टूथ ब्रश के जरिए अपने दांतों पर अप्लाई कर लेना है और बिल्कुल जैसे आप पेस्ट करते हैं ऐसे ही तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक इस रेमेडी के जरिए आपने ब्रश करना है। इस रेमेडी के पहली बार के ही इस्तेमाल से आपके दांतों पर जमा हुआ तकरीबन 50% से ज्यादा प्लाक साफ हो जाएगा। और इस रेमेडी के सिर्फ 1 से 2 बार के ही इस्तेमाल से आपके दांत मोतियों जैसे सफेद निकल आएंगे। लेकिन इस चीज को आप हमेशा याद रखें कि इस रेमेडी को आप 1 हफ्ते में 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना आपने इस रेमेडी को किसी सूरत भी इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 1 हफ्ते में 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 बार, इससे ज्यादा नहीं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए सेहत फौजियों को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।